नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों धनु राशि वालों, अब आप लोग रोना धोना बंद करो, क्योंकि दोस्तों अब खुशियां मनाने का समय आ चुका है। जो दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को आपकी ज़िंदगी में होने वाले ही एक बहुत ही बड़े भयंकर चमत्कार। जी दोस्तों, इस चमत्कार के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले इन 24 घंटे के अंदर आपके ज़िंदगी में वो होने वाले हैं दोस्तों जिनके बारे में किसी भी जातक ने कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाए होंगे। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज के दिन आपके कुंडली में भगवान गणेश की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, जिस कारण से आप लोगों को वो खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। आपका वह सपना अब सच और साकार होने वाले हैं दोस्तों, जिस सपना को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज का दिन यानी कि 1 फरवरी का दिन आपके लिए इतना खास दिन साबित होंगे कि दोस्तों इस दिन को आप लोग कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि दोस्तों आज का दिन आपकी ज़िंदगी में ही कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले, कुछ ऐसी शुभ घटनाएँ होने वाली हैं दोस्तों जिनके बारे में किसी भी जातक ने कभी भी सपने में नहीं सोचे होंगे। जो दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप लोगों ने पिछले समय अंतराल में जिन मुसीबतों का सामना आप लोग किए थे, जो परेशानियों को झेल कर आपने जो मेहनत किए थे और जो आपने परिश्रम किए थे दोस्तों, उस मेहनत का फल आपको अगले 24 घंटे के अंदर प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे का समय आने के 1 फरवरी का जो दिन है आपके लिए बहुत ही लकी दिन रहने वाला है। बस आप लोग इसमें कुछ ऐसी गलती ना करें जिनकी वजह से आपको आने वाले भविष्य में पछताना पड़े। जी दोस्तों, तो आज की पूरी वीडियो आपके संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हम आपको पूरी की पूरी जानकारियां पूरी सटीक बताएंगे कि अगले 24 घंटे का समय यानी कि 1 फरवरी का दिन आप सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। और दोस्तों आप लोग यह जानने के लिए भी हैरान होंगे कि फरवरी माह का दिन हमारे लिए कैसा रहने वाला है, हमारे ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, तो कौन से बड़े बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन से बड़े चमत्कार आपके ज़िंदगी में होने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या सावधानी भी रखनी पड़ेगी, तो कौन सी गलतियों को करने से ऐसे में आपको बचकर भी रहना होगा। साथ ही बात करेंगे इस दिन आपका प्रेम संबंध कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, करियर धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी, घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप सभी जातकों को पूरी सटीक भविष्यवाणी करके बताऊंगा, तो आज की वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप सभी जातकों के लिए एक बहुत ही खास और एक बहुत ही अच्छा उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को अगले 24 घंटे के भीतर आने के बुधवार के दिन कर लेंगे, तो मैं किन के साथ कहता हूँ कि आप जिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं दोस्तों, उन सारी परेशानियों से आप लोगों को अचानक से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देंगी और आपका वह सारा सपना सज और साकार होंगे जिनके लिए आप हमेशा प्रयास करते आ रहे थे, और भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर भी बनी रहेगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले भगवान गणपति बप्पा जी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो का भी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें। दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाएंगी और आप जिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं उन सारी मुसीबतों से आपको हमेशा मुक्ति भी मिले। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस दिन की पंचांग। दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन है और दोस्तों बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 2:02 के उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगे और दोस्तों आद्रा नामक नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर शुभ योग की बात करें दोस्तों इंद्र योग सुबह 11:29 के उपरांत विद्यार्थी योग प्रारंभ हो जाएंगे और राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद ही अशुभ समय की बात करें दोस्तों दोपहर 12:40 से लेकर के शाम 2:02 तक रहेंगे। दोस्तों यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई शुभ कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में कोई भी संकट
आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप जुमेरात समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद शुभ समय की बात करें दोस्तों, सुबह 11:17 से लेकर के दोपहर 12:40 रहेंगे दोस्तों, या समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में को भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों सूर्य मकर राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में समस्त ग्रहों के चार ओर चंद्रमा का जो मिथुन राशि पर गोचर है दोस्तों, इसका प्रभाव आपके जीवन काल पर कैसा पड़ने वाला है आपको हम सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताएंगे पूरी विस्तार पूर्वक से, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों समस्त ग्रहों की चाल से और भगवान गणेश जी की कृपा से आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय रहेगा, आने की 1 फरवरी का जो दिन है, आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही कीमती दिन रहने वाला है। दोस्तों आज का दिन आपके ज़िंदगी में आप लोगों को अपनी आंखों के सामने वह परिवर्तन दिखाई देंगे, आप लोगों को वह खुशखबरी आज मिलने वाले हैं दोस्तों, जिनके बारे में आपने कभी भी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछले समय अंतराल में जिन भी क्षेत्रों में मेहनत आपने की थी, आपने परिश्रम किए थे दोस्तों, उन क्षेत्रों से या समय आप लोगों को अचानक से बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी और आपको उस मेहनत का फल भी आज के दिन मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों अगले इन 24 घंटे के अंदर आपकी ज़िंदगी में वो होने वाले हैं दोस्तों, जिनका अंदाजा किसी भी जातक ने कभी नहीं किए होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों ज़िंदगी का सबसे कीमती दिन आपका आज का दिन होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों फरवरी माह का यह जो पहला दिन होगा दोस्तों, वह दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों आज भाग्य आपके साथ रहेंगे जिस कारण से आप उस मुकाम को आज हासिल कर लेंगे, आप उस सफलताओं को आज अर्जित कर सकते हैं दोस्तों, जिस सफलता को आप प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास और कोशिश करते रहते थे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज अंतरिक्ष के सभी ग्रहों की उल्टी चाल आपकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार अब करने वाले हैं, जो आज चंद्रमा का जो मिथुन राशि पर गोचर है उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर कुछ ऐसा पड़ने वाला है जिनसे आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख देने वाले हैं। जो दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज आप लोगों को अचानक से कुछ ऐसे क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होने वाली है, कुछ ऐसे क्षेत्रों से या समय आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली हैं दोस्तों, जिनके बारे में आपने कभी भी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों आज आप लोग जो भी करेंगे उसमें एक नई ऊर्जा और एक नया लक्ष्य आपको दिखाई देंगे। दोस्तों आज आपकी बातचीत का स्तर अविश्वसनीय रूप से बेहतर भी हो गया है और आप ऐसे कैसे व्यक्ति से आज मिल भी सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से वित्तीय या फिर आध्यात्मिक रूप से काफ़ी प्रभावित भी करेंगे और आज आप खुद को ज़्यादा अच्छे से महसूस भी और समझ भी पाएंगे और इससे आपको जीवन की दशा तय करने में मदद भी काफ़ी अच्छा मिलेंगी। आज आपको इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी वर्तमान समस्याओं को ख़त्म करने के लिए सोचना चाहिए। और दोस्तों आज आप लोगों को अचानक से अपनी नौकरी से संबंधित अच्छी खबर प्राप्त कर सकते हैं, या एक पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है, या फिर एक नई जिम्मेदारी, या फिर एक नया इच्छित स्थान, या फिर एक अलग कंपनी से नौकरी या प्रस्ताव का परिवर्तन भी हो सकता है। दोस्तों आप कम समय में अपने आप को तैयार रखें और या टेलीफोन पर या संदेश के माध्यम से भी किया जा सकता है और आप अपने शक्तियों के बारे में अपने नए नियुक्ता या फिर सहकर्मी को अवगत कराइए। नई भूमिका की मांग के रूप में आज मानसिक रूप से आप लोग तैयार भी रहें। और दोस्तों आज धन के मामले में आपके दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आज आप लोगों को कुछ ऐसे क्षेत्रों से अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होंगी जिसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति आज काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बस आप लोगों को या समय अपने पेशों को बचाकर काफ़ी चलने की आवश्यकताएँ होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों आप लोग अपनी वर्तमान स्थिति में जितना धन को बचाकर चलेंगे दोस्तों, आने वाले भविष्य में वह धन आपके लिए उतना ही कारगर साबित भी हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे में आप लोग बेफालतू के खर्चे ना ही करें और ना ही आप ऐसे में किसी व्यक्ति को धन उधार दें, नहीं तो वह पैसा भी आपके पास लौटने की उम्मीद कम ही ऐसे में बन रही है। और आज आपके सभी अटके काम भी पूरे हो सकते हैं जिनसे आपका मन आज काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी खुश भी दिखाई देंगे।
और दोस्तों आज कारोबारियों और व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही उत्कृष्ट प्राप्त करने के कई अवसर आज मिलेंगे। दोस्तों आज खुद के व्यवसाय से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए आज बहुत ही शुभ और आपके निवेशों द्वारा शुभ परिणाम भी आज आपके सामने आएंगे। दोस्तों जो जातक कपड़े ज्वेलरी व फूड से रिलेटेड व्यापारी करते हैं दोस्तों उन जातकों को आज का दिन काफ़ी अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी और उनका यश में व्यापार भी काफ़ी अच्छा बढ़त बढ़ जाएंगे। और नौकरी करने वाले जातकों की आज अधिकारियों से किसी भी बात पर बहसबाजी हो सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज आप लोग शांत रहें और अपने कार्य में लगे रहें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे, नहीं तो आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। और दोस्तों अगर स्वास्थ्य की दृष्टि में देखा जाए तो आज आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है, बस अपने आहार और पानी की सेवन सही रखें। सुबह ध्यान व योगाभ्यास करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। और दोस्तों जो छात्र परीक्षा एवं प्रतियोगिताओं की तैयारी में काफ़ी लंबे समय से जुटे हुए हैं दोस्तों उन छात्रों को आज के दिन बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, जिनसे उनका मन आज काफ़ी परेशान और काफ़ी खुश भी दिखाएंगे और उनका आज समाज में मान सम्मान भी काफ़ी अच्छा बढ़ेंगे। और दोस्तों अगर घर परिवार के माहौल में देखा जाए तो दोस्तों आज घर परिवार में आपके लिए अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों आज आपके लव लाइफ भी काफ़ी अच्छा शानदार रहने वाले हैं, बेहतर होगा कि आप अपने माता पिता का आज आशीर्वाद लें और आज घर परिवार के लोग एक साथ बैठकर परिवार से जुड़ी किसी भी बातें भी आज करेंगे और आज परिवार के साथ मस्ती और खुशी का दिन भी आपके लिए साबित होंगे। और आज संतान की ओर से कुछ ऐसे बड़ी सफलता है, पूरे घर में खुशी का माहौल भी बना सकती है जी। दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आने वाले इन 24 घंटे के अंदर आने के बुधवार के दिन आप लोगों को वह कौन सी उपाय करने चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिले और भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बने रहे। दोस्तों अगर आप लोग जीवन में आ रही सभी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो आप लोग बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने चाहिए। कहा जाता है कि साल में कम से कम एक बार बुधवार के दिन अपने वजन से बराबर घास खरीदकर गौशाला में देना चाहिए। दोस्तों इस उपाय करने से आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेंगी और भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी जल्दी पूर्ण होंगी।